हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग ये 2003 की कोरियन रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम सबके पास बहुत ही कम टाइम होता है, पर इस टाइम को सही तरीके से खुशी से जीना यही इम्पोर्टेंट है, एक ब्यूटीफुल मैसेज ये मूवी देती है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर मीना हमें दिखती है। मीना अपनी स्कूल का रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी सिग्नल चला जाता है। वहां पर एक आदमी उसे हेल्प करता है। मीना अभी अभी स्कूल में आई है तो इस आदमी के बारे में उसे पता नहीं है। मीना रात में जब घर आती है तो वो बैले देख रही होती है। इसे बैले से लेकर बहुत ही फैसिनेशन होती है। उसकी मदर उसके पास आती है। मीना उसे कहती है कि अगर ये कोरिया में होता तो मैं 100% जाती। इसकी मदर कहती है कि अगर ये कोरिया में नहीं है तो हम यूरोप में जा सकते हैं। मीना एक्साइटेड होती है, कहती है कि सच में। इसकी मदर कहती है मैं मेरा रेस्टोरेंट बेच दूंगी, इसके बाद हम चले जाएंगे। ये दोनों इस पर हंसने लग जाती है। मीना को स्कूल जाने से पहले बहुत सारे मेडिसिन उसकी मदर उसे देती है। जाते वक्त मीना अपनी मदर को किस नहीं करती, पर उसे कंपलसरी उसकी मदर बुलाती है। मीना किस करने के बाद स्कूल में आ जाती है। स्कूल में टीचर जब पढ़ा रही होती है तो सब लड़कियां उसे पूछने लग जाती है। वो कहती है कि क्या आपने कभी प्यार नहीं किया है, आप अपनी प्यार की हमें स्टोरी सुनाओ। टीचर कुछ बोल नहीं रही होती तो लड़कियां कहती है कि वो सिग्नल वाले की स्टोरी हमें सुनाओ। ये स्टोरी मीना को अभी पता नहीं चलती। थोड़ी देर में मीना के टीचर उसे पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि सेमेस्टर के मिड में तुम आ चुकी थी, अगर तुम्हें कुछ सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मीना को कुछ भी सवाल नहीं होता और जा रही होती है, तभी उसे उस आदमी की याद आ जाती है। वो कहती है कि वो सिग्नल वाला आदमी कौन है, वो यहाँ क्या करता है। ये टीचर कहते हैं कि वो आदमी जब स्कूल में था तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो एक दिन सिग्नल क्रॉस कर रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो उसे इतना प्यार करता था कि हर दिन वो सिग्नल पर खड़ा रहता है और किसी का भी एक्सीडेंट ना हो, इसलिए वो हमेशा ध्यान रखता है। रात में मीना की मदर मीना की नर्स से बात कर रही है, ये हमें दिखता है। मीना बचपन से ही हॉस्पिटल में ही थी। एक बीमारी है जिससे वो हमेशा बीमार पड़ती रहती है, ये कभी भी मर सकती है। इसकी कंडीशन जिस बच्चों को होती है वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, इसीलिए हमने देखा था कि मीना को बहुत सारे मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। ये नर्स मीना की मदर को कह रही होती है अगर तुम्हें मीना की ख्याल रखना है तो तुम उसे हॉस्पिटल में रखो। मीना की मदर कहती है कि वो इतने साल तक जी है, एक मिरेकल ही है। अगर वो थोड़ी दिन भी जिंदा रहे पर हॉस्पिटल में उसे बहुत ही पेन होता है, मैं उसे दर्द नहीं देना चाहती। मीना स्कूल से वापस आने के बाद रात में अपने हेडफोन्स पर खिड़की में गाने सुन रही होती है। हमें दिखता है कि एक लड़का जिसका नाम होता है यंग, ये नीचे कचरा फेंकने के लिए आता है। ये खिड़की में मीना को देखता है। मीना को देखकर उसे हाथ देने लग जाता है। मीना का ध्यान नहीं होता पर उसका ध्यान खींच ही लेता है। मीना सिगरेट पी रही होती है, ये उससे सिगरेट मांगता है। ये कहता है कि अभी अभी मैं नीचे रहने के लिए आया हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मीना उसे कुछ भी बोल नहीं रही होती तो कहता है कि तुम बहुत ही रूड हो। मीना सिगरेट फेंकती है तो उससे वो लाइटर भी मांग लेता है। मीना अपना लाइटर फिर से वापस लेना चाहती है पर कहता है कि अगली बार हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें ये लाइटर दूंगा। नेक्स्ट दिन मीना और उसकी मदर रास्ते से जा रहे होते हैं, तब यंग उनसे मिल जाता है। मीना के मदर को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। मीना को कहता है कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें वो लौटा दूंगा। मदर मीना को चिढ़ाने लग जाती है। वो कहती है कि ये तो तुम्हारी टाइप का है। मीना कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही इसे रख लो। इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, एक दूसरे की अच्छे फ्रेंड्स होती है। मीना अपनी मदर को मदर भी नहीं बुलाती, डायरेक्टली उसके नाम से ही कभी कभी पुकारती है। आज मदर मीना को एक सेलफोन गिफ्ट करती है। मीना जब बुक स्टोर से घर वापस आ रही होती है तो यंग उसे फिर से मिलता है। मीना कहती है कि मुझे तुम क्यों सता रहे हो। यंग कहता है कि तुम्हें सता नहीं रहा, मैं तुम्हारा सिर्फ पीछा कर रहा हूँ। यंग कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुम्हें सताता हूँ। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल भी एक रीजन है। हमारा दिमाग हमेशा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है। मैं अगर थोड़ा सा तुम्हें तंग करूंगा तो तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती रहोगी। मीना ने भी ये टीवी पर देखा हुआ होता है। मीना फिर उससे पूछती है मेरा लाइटर कहाँ है, वो तुम मुझे दो। यंग कहता है कि अभी तो मेरे पास वो नहीं है। पर उसके पास एक बैग होती है जिसे वो कैंडी निकाल कर मीना को देता है। मीना ले नहीं रही होती तो ये कहता है कैंडी नहीं मेरा दिल है, ले लो ले लो ले लो ना। मीना फिर वहां से भाग जाती है। मीना ने स्कूल में अपना फोन गुम कर दिया था, उसकी मदर उसे वो देने के लिए आती है। मीना अपने मदर से बात कर रही होती है तभी उसे यंग का कॉल आ जाता है। ये पहली बार उसे काट देती है। यंग फिर से कॉल करता है और कहता है प्लीज काटो मत, अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मत करना। ये उसे रात में खिड़की पर बुलाता है। फोन बंद हो जाने के बाद मीना अपने मदर के पास बैठती है। ये कहती है कि क्या तुम फादर को याद करती हो। मीना की मदर कहती है कि हाँ कभी कभी मैं उन्हें याद करती हूँ पर मैं उन्हें अब भूल चुकी हूँ। मदर मीना से पूछती है किस तरह का प्यार तुम्हें चाहिए।
मीना कहती है कि मुझे इस ट्रैफिक लाइट वाले जैसा चाहिए। अगर आपका प्यार कंप्लीट भी नहीं हो सका पर फिर भी दुनिया को ठुकरा कर सदियों तक चलने वाला प्यार मुझे चाहिए। ट्रैफिक वाला आदमी अपने प्रेमिका से जिंदगी भर प्यार कर रहा है, इसी तरीके का प्यार इसे चाहिए। रात में मदर लिसु के फादर के सब इमेजेस वगैरह देखती है। ये बोल रही होती है कि मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुम मेरी दुनिया से चले गए पर मीना मेरे पास है, तुम्हारा एक तोहफा मुझे तुम छोड़कर गए हो। मीना के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ, उसे जो भी सब खुशियाँ दे सकती हूँ, ये सब मैं देना चाहती हूँ। ये सब वो अपनी डायरी में लिख रही होती है। यंग ने मीना को खिड़की में बुलाया होता है पर उसे इग्नोर कर रही होती है। बहुत रात हो जाती है तो खिड़की में आ जाती है पर उसे यंग कहीं भी नहीं दिखता। नेक्स्ट दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो यंग ने उसके लिए गिफ्ट भेजा हुआ होता है। जब वो खोलती है तो अंदर जब वो खिड़की में थी तब उसके ब्यूटीफुल फोटोज होते हैं। इस गिफ्ट के साथ एक लेटर और एक टर्टल भी होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि टर्टल कभी अकेले नहीं रह सकते, यानी कि और एक टर्टल है जो यंग के पास है। रात में यंग फिर से मीना से मिलना चाहता है तो खिड़की से बाहर से छोटे से पत्थर उसके खिड़की पर डाल रहा होता है। गार्ड जब इसे स्पॉट कर लेता है तो कहता है कि बड़े बड़े उंदीर वहां थे। यहाँ से वो हंसकर भाग जाता है। मीना एक्चुअल में आज शॉपिंग मॉल में आई थी, इसी वजह से वो घर पर नहीं थी। मीना हमेशा ग्लोव्स पहनकर रखती है, उसके हाथ में सिर्फ चार ही उंगलियां होती है, तो इसी वजह से इसके कोई फ्रेंड नहीं थे। ये मॉल में एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती है, अपनी मदर से फिर ये पूछती है, तुम्हें सोनोग्राफी में दिखा होगा कि मेरे ऐसे हाथ है, इससे कम एनोमली होने पर लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, तुमने क्यों नहीं करवाया था। मदर कहती है कि तुम्हारे जो फादर है ये तुम्हारे फादर नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे फादर एक एलियन थे और उनकी लास्ट निशान ही तुम हो। मीना इस पर थोड़ा सा बिलीव करती है और फिर उसकी मदर उस पर हंसने लग जाती है। इसकी मदर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। नेक्स्ट दिन मीना फिर टर्टल लौटाने के लिए यंग के पास जाती है। यंग एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, वो एक फोटोग्राफर होता है तो वहाँ बहुत सारी फोटोज लटकाई हुई होती है। यंग इससे ये टर्टल ले रहा होता है तो मीना कहती है कि क्या ये मेरे लिए गिफ्ट नहीं था। यंग कहता है कि अकेले नहीं रह सकते, इसके प्रेमिकी के साथ इसे रहना पड़ेगा। ये फिर मीना को और एक टर्टल लाता है और उसे दे देता है। मीना उसे फिर से अपना लाइटर मांगती है। यंग सब जगह ढूंढने लग जाता है पर कहीं भी उसे लाइटर नहीं मिलता। एक टेम्पररी लाइटर वो उसे दे देता है। वो मीना से कहता है, कल मैंने जब तुम्हें फोन लगाया था तब तुम्हारा नंबर मैंने मेमोराइज कर लिया था, मुझे फिर से तुम्हारा नंबर दो। ये नंबर जब वो ले रहा होता है तो फ्लोर पर लिखता है, इसे लगता है कि इरेज हो जाएगा। मीना जब चेक करती है तो इरेज नहीं हो रहा होता। मीना अपने नेबर को बुलाती है और सब इस काम में लग जाते हैं, फिर भी ये नंबर इरेज ही नहीं होता। मीना की मेड पहचान जाती है कि ये नंबर मीना का है। ये कहती है कि ये तो फोटोग्राफर है, इससे तुम बहुत सारी इमेजेस ले सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बालकनी में मीना और यंग खड़े हुए होते हैं। मीना यंग के कैमरे से फोटोज ले रही होती है। यंग उसे सही तरीके से फोटो कैसे लेने हैं ये सिखाता है। यहाँ यंग कहता है कि पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा तब से मुझे तुम पर क्रश हो गया था। मीना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और घर चली जाती है। रात में जब यंग नीचे से जा रहा होता है तो मीना उसे छुपके से देखती है। मीना और उसकी मदर जब मूवीज में जाते हैं तो उसकी मदर उसे खूब चिढ़ाती है। इसे पता है कि मीना का यंग के साथ कुछ चल रहा है। मीना जब घर से जा रही होती है तो यंग ऊपर से एक छाता फेंकता है। वो कहता है कि आज बारिश आने वाली है। मीना आज उसके नर्स से मिलती है। मीना की जो नर्स होती है ये भी उसकी अच्छी फ्रेंड होती है। मीना उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड था। नर्स कहती है कि बहुत सारे लड़के मेरे लाइफ में आए थे पर मुझे पता नहीं कि ये मेरे बॉयफ्रेंड थे या नहीं थे। ये नर्स फिर एक्साइटेड हो जाती है, मीना से पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मीना कहती है कि मुझे पता नहीं है। नर्स फिर उसे सलाह देती है कि फीलिंग्स होती है, तुम्हें तुम्हारे इंस्टिंक्ट पर ध्यान देना चाहिए और इसी को फॉलो करना चाहिए। तुम्हें डरा हुआ महसूस हो सकता है पर ये जो फीलिंग्स है यही इम्पोर्टेंट होती है। मीना फिर यंग को कॉल लगाती है और कहती है कि क्या स्नैक्स खाने हैं। इसे लगता है कि सेक्स के लिए पूछ रही है। यंग फिर सीरियस हो जाता है। ये कहता है हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम गुजारे फिर हम ये कर सकते हैं। यंग को ऐसा लगा, इस पर मीना बहुत हंसने लग जाती है। इस दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये जब बस में चढ़ते हैं तो यंग की आइसक्रीम एक लेडी पर गिर जाती है। मीना अपने ग्लव से ये पोछती है। यंग फिर कहता है कि ये तो खराब हो चुके हैं, अपने शर्ट से उसके हाथ पोछने लग जाता है। इसके हाथ एबनॉर्मल है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। यंग मीना का हाथ लेता है और कहता है कि रेजर भीम है, सब लोगों को हम अब मार डालने वाले हैं। मीना एम्बैरस्ड होती है पर इससे वो हंसने लग जाती है। इसकी मदर जिस तरह से इसे अच्छे से ट्रीट करती है उसी तरह से यंग भी उसे ट्रीट करता है। रात में नीचे की खिड़की से यंग उससे बात करता है। इन दोनों में अच्छी सी फ्रेंडशिप डेवलप होने लग गई है। वॉचमैन ये सब देखता है, जिस तरह से हर वॉचमैन होता है उसी तरीके से मीना की मदर को वो सब कुछ बता देता है। मीना की मदर इस सब को इग्नोर कर देती है।
रात में मीना यंग को पार्क में लेकर आती है। उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाए हुए होते हैं। यंग से कहती है कभी कभी इन्हें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। यंग को एक सवाल आता है, वो मीना से कहता है कि तुम अपनी मदर को डायरेक्टली उसके नाम से क्यों पुकारती हो। मीना कहती है मेरा इस तरीके से हाथ था तो इसी वजह से कभी भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे, और अगर बनते भी थे तो थोड़े टाइम में वो मर जाते थे। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। एक दिन मेरी मदर कॉस्ट्यूम में आई और मेरा फ्रेंड होने का प्रिटेंड उसने किया। इसके बाद से हम अच्छे से फ्रेंड बन गए। यंग कहता है कि तुम और तुम्हारी मदर की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट दिन मीना के स्कूल में सब लड़कियां अपनी हॉरोस्कोप देख रही होती है। इसमें मीना देखती है कि लव साइन जो है ये इसके लिए अच्छा है। जब वो यंग से मिलने के लिए आती है तो लव साइन बना हुआ टी शर्ट ही पहन कर आती है। मीना यंग के घर पर बहुत सारे हवाई की इमेजेस देखती है। ये उसे इसके बारे में पूछती है तो यंग वहाँ बहुत बार जाकर आया हुआ होता है। यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के बीचेस, इन सब की वो फोटोज लेता है। मीना यहाँ पानी में का एक टर्टल भी देखती है। ये यंग से पूछती है कि क्या हमारे पास जो टर्टल है ये भी बड़े होने के बाद इतने ही बड़े बनेंगे। यंग कहता है कि तुम तो बहुत ही सिली हो, इनकी प्रजाति ही अलग है, ये कभी भी इतने बड़े नहीं बनेंगे। मीना कहती है कि तुम तो स्मार्ट हो, इसी वजह से तुम बदसूरत हो। इसका भी वो यहाँ मजाक ले लेती है। मीना को हमेशा से बैले देखना था, उसे फैसिनेशन थी, तो बैले के स्टूडियो में ही उसे लेकर आता है। यहाँ पर यंग बहुत सारी फोटोज लेता है और मीना को तैयार होने के लिए कहता है। मीना को भी बैले प्रैक्टिस वो आज करवाने वाला होता है। मीना की बहुत सारी ब्यूटीफुल फोटोज लेता है। मीना प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे चक्कर आ जाती है। इसी कंडीशन की वजह से ये कभी भी बीमार पड़ सकती है। मीना की मदर और नर्स वहाँ होती है। मीना जब आँख खोलती है तो कहती है कि प्लीज तुम अपने काम पर चली जाओ, मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ। मीना को उसकी वजह से किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब हो ये अच्छा नहीं लगता। नर्स मदर से कहती है कि तुम्हें अब मीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। मदर कहती है कि मैं यही करना चाहती थी पर एक दिन मीना ने अपनी नस काट ली थी, उसे नॉर्मल ही लाइफ जीनी है। मीना की मदर अब रोने लग जाती है, कहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए यही मैं चाहती हूँ। यंग मीना को एक गिफ्ट देता है, ये बैले के शूज होते हैं। मीना जब यंग से फिर से मिलने के लिए जाती है तो इस बार यंग की पूरी वॉल मीना के पिक्चर से ही भरे हुए होते हैं। मीना जब पार्क में थी, बैले में थी, जब भी उसके साथ वो था, सब बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स उसने उसकी ली थी। मीना जब अपने मदर के साथ होती है तो उसकी मदर कहती है कि नेक्स्ट मंथ हम यूरोप जा सकते हैं। उसकी मदर ने बहुत सारे पैसे अब सेव कर लिए हैं और बैले देखने के लिए ये यूरोप जा सकते हैं। मीना कहती है कि अब मुझे बैले नहीं देखना, इसे अब हवाई जाना होता है। ये भी उसे यंग के साथ जाना होता है, इसके लिए अपनी मदर को वो कन्विंस कर लेती है। नेक्स्ट दिन यंग और मीना अपने नेल्स पर एक दूसरे की इमेज बनाते हैं। ये पार्क में आते हैं और खूब मजे करते हैं। यंग मजाक करता है और कहता है कि जब भी मैं टॉयलेट जाऊंगा तो हमेशा मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा। मीना की इमेज उसके नेल्स पर बनी हुई है तो उसे लगेगा कि हमेशा उसे देख रही है। मीना उसे पानी में गिरा देती है। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट एक दूसरे के साथ ही गुजार रहे होते हैं। रात में मीना अपने मदर को जब सुलाती है तो उसकी मदर के रूम में उसके फादर की जो सब चीजें है ये देखने लग जाती है। मदर की डायरी में जो सब लिखा हुआ होता है वो सब वो पढ़ती है। उसे अब महसूस होता है कि उसकी मदर भी बहुत ही अकेली ही है, वो हमेशा उसके फादर को याद करती रहती है। अब मीना बहुत ही सैड हो जाती है और रात में भी बहुत रोती है। अगले दिन भी यंग से नहीं मिलती। यंग फिर उसके स्कूल में पहुंच जाता है। आज बारिश हो रही होती है तो यंग ने उसके लिए छाता लाया हुआ होता है। ये दोनों जब रास्ते से जा रहे होते हैं तब वे फिर से सिग्नल वाले को देखते हैं। मीना कहती है कि आदमी बहुत ही घटिया है, किसी से प्यार करना और इसके प्यार में ही हमेशा से रहना, इसे कितना दर्द महसूस होता होगा। इस सिग्नल वाला आदमी भी बारिश में रो रहा होता है। यंग कहता है कि मुझे तो बहुत ही फॉर्चुनेट है लगा, किसी के प्यार में पूरी लाइफ तुम गुजार दो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मीना अपने मदर के साथ लंच कर रही होती है, अपनी मदर को कहती है कि तुम भी अकेली हो चुकी हो। यह अपनी मदर को कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी, इसीलिए तुम भी अब शादी कर लो। मीना की मदर इसे मजाक में लेती है। मीना सीरियसली अपनी मदर को कह रही होती है कि उसे किसी को ढूंढना चाहिए। मीना को लगता है कि जल्द से जल्द वो गुजर जाएगी। इसके बाद अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए क्योंकि वो अकेला महसूस ना करे। मीना यंग को बहुत ही सुबह सुबह ही बाहर लेकर आती है। उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाए हुए होते हैं। आज वो बहुत ही खुश होती है। इस पल में वो बहुत ही खुश है तो इसे वो कैप्चर करना चाहती है। यंग कैमरे में टाइमर लगाता है और इन टर्टल के साथ ये दोनों फोटोज लेते हैं। अब हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाई जाती है जिसमें ये दोनों खुश है, अच्छे से पल ये गुजार रहे हैं। मीना यंग के साथ एक्वेरियम आई हुई होती है। वहां पर वो टर्टल देखना चाहती है पर उसे कहीं भी नहीं दिखते। उसे लग रहा है कि वो हवाई जा नहीं पाएगी, यही उसे चक्कर आ जाती है। इसकी कंडीशन अब बहुत खराब हो चुकी है। यंग को बहुत ही दुख होता है।
डिस्टर्ब हो जाता है। रास्ते से जब चल रहा होता है तो एक हवाई का पोस्टर देखता है, उस पोस्टर को फाड़ने लग जाता है। मीना का सपना था कि वो हवाई जा सके, पर वो जा नहीं सकेगी, तो इसे बहुत ही दर्द अब हो रहा है, यही रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है यंग मीना की मदर से मिलता है। मदर ने यंग को पैसे दिए थे मीना से मिलने के लिए, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यंग को अब सचमुच मीना से प्यार हो गया है। वो कहता है कि अगर मैंने ये सब पैसे लिए तो ऐसा होगा कि पैसों के लिए मैं उससे मिला था। मीना की मदर उसका प्यार देखकर कहती है, मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मीना के हॉस्पिटल में यंग आया हुआ है। मीना हवाई जा नहीं सकती, तो हवाई का सब डिस्क्रिप्शन उसे देता है, किस तरह का वेदर वहाँ है, किस तरह की सीनरी वहाँ है। मीना अनकॉन्शियस होती है, फिर भी इसके आंख में आंसू आ जाते हैं। यंग उसे कहता है कि हवाई में बहुत ही क्लियर पानी है, ये पानी एक तरह का गुड लक होता है। मीना अपने सपने में ही वो यंग के साथ उस पानी में है, उसके आसपास टर्टल घूम रहे हैं। ये जो टर्टल है इसके प्यार की निशानी है, जो भी उसे चाहिए था ये सबने वो जी लेती है। हवाई में बीच पर सनसेट देखते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, ये सब स्वीट मेमोरीज वो सपने में जी लेती है। यंग मीना के लिए एक अच्छा सा ब्रेसलेट लाता है और उसे पहना देता है। उसका हाथ मीना के हाथों में लेता है और एक फोटो निकालता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा समय गुजर चुका है, मीना अब इस दुनिया में नहीं रही। इसका जब एग्जीबिशन चलता है तो मीना के साथ हाथों में जब उसका हाथ था तो जो उसने फोटो लिया था ये फोटो उसने वहां लगाया हुआ होता है। मीना की मदर यंग से मिलने के लिए आती है, उसे ये सब करवाने के लिए वो सॉरी कहती है। मीना ने मरने से पहले यंग के लिए गिफ्ट बनवाया था, ये मीना की मदर अब यंग को देने के लिए आई हुई है। मीना की मदर घर पर आती है, उसकी डायरी जब देखती है तो मीना ने उसकी डायरी में कुछ लिखा हुआ होता है। मीना को पता था कि यंग को मीना के मदर ने ही पैसे दिए हैं। इसमें लिखा होता है, तुमने जो किया वो तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है, पर इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। मेरे पास जितने भी दिन अब बचे हुए है इसमें मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। मरने से पहले खुश रहकर यही गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। यंग मीना का गिफ्ट खोलता है, मीना की ड्राइंग बुक इसमें होती है। ये दोनों खिड़की से बात करते थे, इन दोनों का प्यार सिग्नल वाले की तरह ही है, इसीलिए सिग्नल वाले की इमेज भी यहाँ होती है। इन दोनों का लव अब अमर हो चुका है। यंग यह सब देखकर रोने लग जाता है और कभी भी वो उसे नहीं भूलेगा। ये मूवी हमसे कहकर जाती है कि हमारे पास भले ही टाइम कम हो पर फिर भी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, और जो मोमेंट हमारे साथ है वो एक पूरी लाइफ टाइम की तरह जी सकते हैं। ये जो हमारा टाइम है इसमें हम खुश रह सकते हैं। हम सब के पास एक लिमिटेड ही टाइम होता है, तो क्यों ना इसे सही से जिया जाए। एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज लेकर आता रहूंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।